हेलो डियर फ्यूचर फार्मासिस्ट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इज इट टू लर्न फार्मेसी में। आज अपन इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वैकेंसी आती है एम्स में, उसकी वैकेंसी जो आई है उसका पेपर कब होने वाला है, उसका जो है टाइमिंग क्या रहने वाला है, उसका जो सिलेबस क्या रहने वाला है, और ये सारी चीज़ें अपन जो कितनी पोस्टेड रहने वाली हैं वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें, ठीक है, ताकि आपको न्यू वैकेंसी अपडेट, स्टडी रिलेटेड मटेरियल सबसे पहले आपके पास मिल पाए। तो अपन जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, इसमें अपन नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाएंगे और इसमें जो है तो अपन देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। वेरियस टाइप की वैकेंसी आई थी, फार्मासिस्ट की आई थी, फार्मासिस्ट ग्रेड टू, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर हो गया, डिस्पेंसिंग अटेंडेंस हो गया, और डिस्पेंसिंग अटेंडेंस सीआरई एम्स हो गया। तो इसकी अपन जो है नोटिस को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही अपन नोटिस को डाउनलोड करने थे, फिर इसमें अपन देखेंगे क्या पेपर रहने वाला है, कब रहने वाला है, क्या टाइमिंग रहने वाला है, ये सारी चीज़ें अपन को इसको देखने मिलेगी। तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्टेज रहने वाली हैं वो 69 है टोटल सबको मिला के, ठीक है। और इसका जो डेट ऑफ एडमिट कार्ड है वो ट्यूजडे यानी 12 दिसंबर को जो है तो आएगा, ये आपको यहाँ को देखने को मिल जाएगा। इसकी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, पहली बात तो ये जो एग्ज़ाम है आपको मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, और ये जो एग्ज़ाम है 18 और 20 दो में से किसी भी डेट में जो है तो हो सकता है, या मे भी दोनों में हो, ठीक है, दो जगह, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे इसमें जो टाइमिंग का जो इशू रहेगा, मतलब टाइमिंग क्या रहने वाली है, तो वो जो आपको जैसे आपके एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड में जो है तो मेंशन होके आ जाएगा क्या टाइमिंग रहने वाली है। अपन बात करेंगे कि इसमें जो तो पेपर जो है कैसे रहने वाला है, इसमें जो पेपर रहने वाला है टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे नॉन फार्मा पार्ट के और 40 क्वेश्चन रहेंगे फार्मा पार्ट के, ठीक है। तो नॉन फार्मा में पेपर दो होंगे, पहला होगा पेपर वन जो कि नॉन फार्मा रहेगा, उसमें रहेंगे क्या 40 क्वेश्चन, वो भी कितने मिनट उसमें मिलेंगे, 45 मिनट आपको मिलेंगे, और उसमें भी फार्मा पार्ट में भी 45 मिलेंगे, नॉन फार्मा में भी 45 मिनट ही मिलेंगे, यानी टोटल आपके पास टाइम जो रहने वाला है वो 90 मिनट रहने वाला है, ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 80, और 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस 10 MCQ, जनरल अवेयरनेस हो गया 10 MCQ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया क्या 10 MCQ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये जो फार्मा पार्ट जो रहने वाला है वो बहुत अच्छा है, फार्मा पार्ट आप जितना अच्छा खींच लेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रॉफिट रहेगी, आपको उतना ज़्यादा क्वालिफाइंग होने के चांस जो है तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि फार्मा पार्ट से अपन अच्छी खासी प्रिपरेशन करके बैठे हैं, अपन को सिर्फ एक बार रिविजन करना, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, और सबसे ईजी क्वेश्चन आते हैं। फिर अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है कि नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है, आप जितने भी क्वेश्चन है पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर अपन बात करेंगे कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, कम से कम कितने मार्क्स अगर जो कैटेगरी वाइज होने ही चाहिए जब आप क्वालिफाइंग मार्क्स में आएंगे, ठीक है। तो अपन बात करेंगे ये जो 40% अगर किसी के आ रहे हैं तो वो किसके आने चाहिए, अनरिजर्व है जो, तो 40% AWS के लिए जो है तो है 40% में, ठीक है, वो क्वालिफाइंग माना जाएगा। OBC के लिए 35%, ST% जो किसके लिए, STSC के लिए, और PWD इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 30%, ठीक है। और ये जो पेपर रहने वाला है, सबसे बड़ी चीज़, ये जो पेपर रहने वाला इंग्लिश मोड में रहने वाला है, इसलिए ठीक है, ये आप चीज़ें जो है तो याद रखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ऐसे न्यू वैकेंसी अपडेट जानने के लिए, ठीक है, धन्यवाद।